जय मूल निवासी, हम लोग जो आज यहाँ पे 8 अक्टूबर को जो डीसी की तरफ से हम लोग जो एक रिक्वेस्टिंग लेटर भेज रहे हैं राष्ट्रपति को, इसका यही मैसेज है कि जिन्होंने एक मूल निवासी एक बहुजन समाज की बेटी के साथ जो भी किया है, रेप करके अत्याचार करके उनकी हत्या भी कर दी है, हम लोग ये चाहते हैं कि अपर कास्ट के लोगों ने जो किया है उनके साथ उनको भी फांसी सजा हो। जैसे कि प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जो हुआ था उनको कैसे एनकाउंटर किया गया था, इनको भी एनकाउंटर कर दे कि कल चल के कोई दूसरा भी अगर हमारी बहू बेटियों के साथ इस तरह की कोई घटना ना घटे, और वहाँ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है उनको बर्खास्त करे, उनको नेक्स्ट एक पॉलिटिकल उनकी लाइफ ही ना हो, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी थी या मौजूदगी थी पता नहीं, इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व शामिल होंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो। उत्तर प्रदेश में मनीषा वाल्मीकि 19 साल का लड़की को सामूहिक अत्याचार करके वो मारा गया है, वो लोगों अत्याचारी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और साक्षीनाश के लिए उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस और ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है फेलियर है, वो लोगों के ऊपर भी एक्शन लेने चाहिए, तुरंत गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का गवर्नमेंट बर्खास्त करना चाहिए, ये हमारा मांग है। मूल निवासी जो संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा, महिला संगठन मुक्ति मोर्चा, RPI, SDPI, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, ये सब मिलकर आज पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है दलित बहन के साथ, वो घटना को कंडेम करते हुए उसका प्रोटेस्ट कर रही है। हमारा डिमांड यही है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सरकार चलाने के लायक नहीं है तो इमीडिएटली उन्हें रेजिग्नेशन देकर उतरना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब से योगी सरकार आई है वो फैसिस्ट माइंडसेट को लेकर चल रही है। हम अगर ये फैसिस्ट सरकार की अगर इनकी मेंटालिटी अगर इनकी किताबों से अगर पढ़ते गए, ये एंटी मूल निवासी है, ये एंटी दलित है, ये एंटी माइनॉरिटी है और एंटी औरत इनका फिलॉसफी है। इनके फैसिस्ट आइडियोलॉजी में पूरा हम देखते हैं कि सबके खिलाफ है, तो और इनकी जब पॉलिसीज हम चेक करते हैं, ये एंटी दलित पॉलिसीज लेकर आते हैं, एंटी फार्मर्स पॉलिसीज लेकर आते हैं, एंटी फार्मर्स और एंटी वुमेन्स पॉलिसीज लेकर आते हैं। तो आज मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म के जरिए से आज पूरे देश भर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मकसद यही है कि योगी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में और एक बराबर न्याय एक समाज निर्माण करने में फेल हो चुकी है। राम राज्य का वादा कर वहाँ पर रावण राज्य का शासन चल रहा है, ये बताना चाहिए।